ऑफ कोर्स हम भी यही आपको विश करेंगे, लेकिन अगर यहाँ से हम बड़े ट्रिगर्स देखें अगले आने वाले कुछ कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में, क्योंकि बजट भी है, फिर यूपी इलेक्शंस भी हैं, ये इन सब ट्रिगर्स में कौन से सेक्टर्स या कौन से क्या रिफॉर्म्स को लेकर कोई ऐसा सेक्टर जिस पर आपकी नज़र हो बजट से जो सरप्राइज कर सकता हो? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि अब क्या है कि काफी सारे रिफॉर्म बजट के बाहर ही हो जाते हैं। जैसे ये पीएलआई स्कीम्स का रिफॉर्म आया, और काफी सारे एक्सपोर्ट सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, ये सब में जो रिफॉर्म्स आने थे, वो काफी सारे रिफॉर्म्स आज आजकल बजट के बाहर ही हो रहे हैं। बजट में अब लार्जली मुझे लग रहा है कि फोकस होगा कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को बरकरार रखें गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्टार्टअप सेक्टर के लिए टैक्सेशन में कुछ क्लेरिफिकेशन आए ईसॉप को लेकर। तो मुझे लग रहा है कि लार्जली बजट अब काफी नॉन इवेंट सा हो गया है। तो आई डोंट थिंक कि बजट से कुछ कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। हाँ, बजट के आसपास सबको इंटरेस्ट जरूर रहता है कि क्या थिंकिंग है गवर्नमेंट की, क्या नई पॉलिसी है, बट मुझे लग रहा है कि बजट अच्छा ही होगा। और ब्रॉडली लोग ये देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर डाइवेस्टमेंट का टारगेट क्या है, क्योंकि इस साल डाइवेस्टमेंट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उससे कोई फिस्कल डेफिसिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो काफी रोबस्ट है। तो दैट मे नॉट बी इम्पोर्टेंट। मेरे हिसाब से बजट में यही देखना है कि गवर्नमेंट अभी भी फिस्कल स्पेंडिंग लूज रखती है, या फिर उनको ये इच्छा है कि वो नेक्स्ट ईयर से फिस्कल डेफिसिट में कंसोलिडेशन ले आए, क्योंकि उससे पता चलेगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी स्ट्रांग रहेगी नेक्स्ट ईयर। इस साल तो खैर उनको रखना ही था स्ट्रांग, क्योंकि कोविड की वजह से उन्होंने बताया था कि हम ज्यादा डेफिसिट रखेंगे और स्पेंडिंग बरकरार रखेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रही है। आगे जाके क्या थिंकिंग है वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सेक्टर लेवल पे जो काम हो रहा है वो तो मुझे हो रहा है कि बजट में हो या बजट के बाहर हो, वो बहुत सारा रिफॉर्म वहीं पे हो रहा है, तो उससे कोई बहुत बड़ा चेंज मेरे हिसाब से बजट की वजह से नहीं होना चाहिए।